पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में विश्व परमार्थ फाउंडेशन के तत्वाधान में शिक्षा में भारतीय मूल्यों का महत्व विषय पर एक संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए। साथ ही संगोष्ठी कार्यक्रम में विशेष तौर पर हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और श्री अग्नि अखाड़ा के सचिव संपूर्णानंद जी महाराज भी मौजूद रहे और शिक्षा में भारतीय मूल्यों का महत्व विषय पर अपने विचार रखे। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि शिक्षा मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता किसी भी मनुष्य को किसी कर्म के योग्य बनाती है। जो विषय उन्होंने चुना है भारतीय शिक्षा के बारे में, उसके बारे में तो माननीय अतुल कोठारी जी ने बड़े विस्तार से कि हमारी शिक्षा की नीति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार से आज जो हमारा युवा है शिक्षा के कारण, शिक्षा की नीति के कारण कह लीजिए, शिक्षा यहाँ इस देश के अंदर शिक्षा का ग्रहण होता है लेकिन बच्चे पढ़ने के पश्चात विदेशों के अंदर चले जा रहे हैं। आदरणीय कोठारी जी ने इस बात को भी लेकर के चिंता व्यक्त की, शिक्षा हमारी हमारे घर से शुरू होती है, फिर स्कूल में शिक्षा मिलती है, फिर समाज से शिक्षा मिलती है। मैं समझता हूं कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो देश के लिए नई शिक्षा नीति लेकर के आए, बहुत जो आज की आवश्यकता है उस शिक्षा नीति के अंदर हमें उस शिक्षा नीति के ऊपर चलने का आह्वान किया गया। मुझे खुशी है आपने इस संगोष्ठी के ऐसे विषय का चयन किया है जो शिक्षा को चरित्र एवं मानवीय मूल्यों से जोड़ता है। विद्या ददाति विनयम्, विनयाद्यति पात्रतम, पात्रता धनमापुंति, धनाधर्म तथा सुखम। इसका जो तात्पर्य है, विद्या जो शब्द है ये शिक्षा है, वह ज्ञान जो ऋषियों की देन है, वह शिक्षा जो हमारे धर्मशास्त्र पर आधारित है, यह शिक्षा मनुष्य को विनम्रता प्रदान करती है। जो विनम्र नहीं रहता वो विद्यावान नहीं बन सकता। इसके पास विनय रहता, संस्कृत में और एक श्लोक है, उद्यमम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, ये छह गुण जिसमें समावेश होता है उसी को जो है सही शिक्षक कहा जाता है। तो इसलिए ये छह गुण जो है बहुत जरूरत है। कहते शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी जब नैतिक आधार नहीं, और सृजनहीन संसार व्यर्थ है अगर मानव में प्यार नहीं। कहते भाग्य उदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम जलबतो पुरुषो यदावी। कहते करोड़ों पुण्य उदय होने के बाद हमें शिक्षा प्राप्त होती है। हमारे वेदों ने कहा है, हमारे महापुरुषों ने कहा है, कहता जो बात दवा में बन ना सके वो बात दुआ में होती है, और कोई पक्का सतगुरु मिल जाए तो बात खुदा। ऐसी शिक्षा दो जो उसे समाज में काम आए। देवो भूत्वा देवे देवम यजेत। कहता देवताओं को पाना है तो स्वयं देवता बनना है। ऐसा जरूरी नहीं कि आप अच्छे काम करें और उसमें रोड़ा नाटकाया जाए। ऐसे बहुत सारे लोग, अगर सत्यता है तो सत्यता भी है,
आपके विपरीत होगा, परंतु वो शिक्षा जो आपको विवेक दे, वो शिक्षा जो आपको समझ दे, वो शिक्षा जो आपको इस समाज में रहने योग्य बनाए, वो शिक्षा जो इस समाज में आपको वंदनीय बनाए, वो शिक्षा जो आपको इस समाज में आराधनीय बनाए, वो शिक्षा जो आपको इस समाज में श्रेष्ठ बनाए, वो शिक्षा जो इस समाज में आपको श्रेष्ठ बनाए, वो शिक्षा जो आपको इस समाज में कीर्ति दे, वो शिक्षा जो ये समाज में आपको वैभव दे, वो शिक्षा जो आपको सम्मान दे, और वो शिक्षा जब आप चले तो लोग आपका वंदन करने लग जाएं, वो भारतीय शिक्षा है।